हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैंने ना आपके लिए जो आइटम लेके आई हूँ ना, वो मैं ना कैफी ऊन से बनाऊंगी। और इसमें ना मैंने 3 mm का ये क्रोशिया यूज़ किया है। ये सबसे अच्छी बात इसमें ये है, ये ना हम डोर के साइड में या किसी भी एंगल में लगा सकते हैं। आप देखेंगे ना तो आप खुद भी कहेंगे कि ये कितना आसान है और हमारे लिए ना कितना अच्छा है। तो चलिए, इस तरह से नॉट लगा के इसमें हमने एक चेन बना दी, और इस तरह से हम इसमें ना चेन बनाते जाएंगे। ठीक है, मैं इसमें ना 80 से 90 चेन बना के फिर मैं दिखाती हूँ कि ये आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसमें मैं ना पहले चेन बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ना पूरी चेन बना ली। और मैंने ये चेन है ना आपको 80 से 90 बोली थी, लेकिन मैंने ये 100 बनाई है। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना था। अगर इसे नाप के हम दें तो ये जो चेन है ना, इसे खींचना नहीं है, ऐसे नॉर्मली रखना है। और नॉर्मली रख के इस तरह से हमें ये, एक सेकेंड, ऐसे नाप लेनी है। तो ये जो हमने ऐसे सिंपली रख के नापी है, ये 33 आ रही है। ठीक है, तो 33 हमने इसकी लंबाई ली है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये आपको है ना चेन बनानी है। तो चलिए, अब इसे ना बना के ना ठीक से तब दिखाती हूँ। तो अब आगे हमें इसमें क्या करना है, आगे हमें ना इसमें ऐसे पलटेंगे और फर्स्ट वाली चेन पे ही सिंपल क्रोशिया ये इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से पूरे में सिंपल क्रोशिया हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये जितनी हमारी चेन है सब में इस तरह से सिंपल क्रोशिया बनाना है। तो ये पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ना पूरे में ये सिंपल क्रोशिया बना लिया है। ठीक है, तो अब हम इसे यहीं पे, देखिए ये फंदा लेके ना इस तरह से यहीं पे छोड़ देंगे, और इसे ना थोड़ा लंबा करके ना यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, तो इसे ना कट करने के बाद ये देखिए, ये हमने कट कर दिया, इसे छोड़ दिया। अब हम इसमें ना ये दूसरा कलर लेंगे। ठीक है, और दूसरा कलर लेके इस वाली ऊन को इतना हम, जितना हमने ये छोड़ा है ना, इतना छोड़ देंगे इस तरह से। और तब हम इसे यहाँ पे जॉइंट करेंगे इस तरह से। ये जॉइंट हो गया, ये चेन ली, और ये देखिए, ये अच्छे से है ना जॉइंट हो गया। अब इसे पलटेंगे और पलटने के बाद एक चेन लेंगे, और ये देखिए, फर्स्ट वाली चेन में ही डाल के हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है कि जो हम 3 फंदे लेते हैं ना, वो एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, दो, और फिर एक, दो, दो चेन लेंगे और फिर उसी चेन में डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर अगली चेन पे जाएंगे, पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन और फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगले बंदे में जाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन लेंगे और फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर अगले वाले पे जाएंगे, यहाँ पे भी एक हाफ डबल क्रोशिया, दो चेन और हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगले में फिर से हाफ डबल क्रोशिया, दो चेन, हाफ डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही जितनी भी ये चेन है सब में हम ये बना लेंगे। तो पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ना ये पूरे में बना लिए, और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। और यहाँ पे ना लास्ट में हम ऐसे ही
डाल के हम ये हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, और ये सबसे लास्ट वाले में हम सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे है ना इसे जॉइंट करके कट कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसके है ना दूसरी तरफ से ही यहाँ से जहाँ से हमने ये बनाया हुआ था ना वहीं पे लेंगे और ये दूसरा कलर इसमें लगाएंगे। तो इसमें हमें अभी क्या करना है, देखिए इसमें हम जितना ये है उतना ही हमें इसे छोड़ना है, ठीक है, जितने हमने पहले दो छोड़े हुए ना वो, और यहाँ पे इस तरह से इसे अच्छे से जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद हमें क्या करना है, एक चैन लेंगे और देखिए ये जो हमारी दो चैन थी ना इनमें डाल के हम एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर अगली वाली जो ये दो चैन है उसमें जाएंगे और इसमें भी हम इसी तरह से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर अगली चैन पे जाएंगे और यहाँ पे भी हम इसी तरह से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर अगली दो जो दो चैन है उन पे जाएंगे और ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही करके हमें ना इसे पूरे में तीन तीन डबल क्रोशिया हर ए जो ये चैन है दो दो वाली जो हमने ये चैन ले रखी है इनमें तीन तीन डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से पूरा कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए ये लास्ट तक हमने ना इसी तरह से बना लिया है और यहीं पे इसे कट करके हम इसे कट कर देंगे नॉट लगा के, और इसकी भी जो लंबाई है ये इन तीनों की तरह उतनी ही लंबा रख के हमें इसे काटना है। तो इसे काट के फिर दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमने ना इधर से ऐसे कट कर लिया। अब हम ये दूसरी तरफ से, ठीक है, इसे पकड़ के इस तरह से है ना इसे हम गोल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे इस तरह से, इससे क्या होगा कि ये जो ये उबड़ खाबड़ ऐसे हो रही है ना वो नहीं रहेगी, ये बिल्कुल सही बनती चली जाएगी। तो ऐसे पकड़ के और ऐसे हम इसमें ना पूरे में ऐसे गोल गोल करते चले जाएंगे, ऐसे सीधा सीधा इस तरह से जैसे मुड़ रही है इसे पकड़ेंगे और ऐसे राउंड राउंड बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरे को कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड बना लिया, ठीक है, जैसे अब इसे हमने एक साथ कर लिया। अब आपको मैं दिखाऊं कि इसमें जो ये हमारा ये वाला है इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे और ये देखिए ये हमारा पूरा का पूरा इस तरह से ना बन के पूरा तैयार हो गया। अभी मैं इसे ना पूरा दिखाऊंगी ना आपको लगा के, क्योंकि कैमरे में ये इतना ही दिखाई दे रहा है तो उतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। अभी मैं पूरा करके दिखाऊंगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसे हम रख देंगे और कोई भी इतना चौड़ा इस तरह से का राउंड ले लेंगे। ये मेरी ग्लू का डिब्बा है तो मैंने इसके ऊपर ये अब लपेटते जाना है, जैसे इस तरह से पकड़ के और इसके ऊपर ऐसे लपेटते जाएंगे। तो इसमें हमें 20 से 30 राउंड ऐसे कर लेंगे। तो ये पूरा करके फिर मैं दिखाती हूँ कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। देखिए ये राउंड करने के बाद ये हम इसके ऊपर से है ना इस तरह से उतार लेंगे, ठीक है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब देखिए जैसे ये मैंने उतार लिया है इसे हम यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे। ये धागा हमने थोड़ा लंबा कर लिया था और इसमें इस तरह से डाल के हम यहाँ पे इसे अच्छे से लपेट लेंगे। इस तरह से फिर इसमें इस तरह से डालेंगे और ये नॉट लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है, नॉट लगाने के बाद फिर हम इसके ये जो हमारा उनका बचा हुआ थोड़ा सा धागा है इसे इसके बीच से निकाल लेंगे।
हम वो हम क्रोशिए से भी कर सकते हैं, जैसे इसके क्रोशिए को बीच में डालेंगे और इस धागे को ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद इस तरह से पकड़ के इसके कोने पे, ठीक है, इस कोने पे इसे हमें जॉइंट करना है। ठीक है, इस तरह से। दो तीन बार ऐसे सिंपल क्रोशिया से इसे हम अच्छे से यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर आपको ये ना यहाँ से बीच में से कट करना है तो कट कर सकते हैं, नहीं करना है तो ये ऐसे भी खुला खुला अच्छा लगता है, वो आपकी मर्जी है। और ये दूसरी साइड जहाँ पे हमने ये धागे को छोड़ा हुआ है ना, वो हम इस तरह से पकड़ेंगे, इसे घुमाएंगे और यहाँ पे एक छोटी सी चेन बनानी शुरू कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हो गया। अब हम इसे यहीं पे दूसरी साइड में डाल के इस तरह से निकाल के और यहीं पे हम इसे अच्छे से जॉइन करके और कट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो ये यहाँ पे है ना अच्छे से नॉट लग जाएगी। ठीक है, ये सारे जो धागे निकले हुए हैं ये हम कट कर देंगे और ये हमारा लूप टांगने के लिए हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये पूरी की पूरी लटकन बन के है ना तैयार हुई है। तो ये देखिए ये कितनी प्यारी सी, और ये इस तरह से है ना घूमने वाली है कि जो कोई मतलब देखता भी है वो भी ये ऐसे लगता है कि जैसे ये है ना इस तरह से ना राउंड में है। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको ये कैसी लगी मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।